किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है। इसलिए जल संरक्षण और प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी आवश्यक है। एक खुशी की बात है कि डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इसराइल और यूरोपियन यूनियन इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। मुझे आशा है इस मंच पर विचारों और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान से भी सभी को लाभ मिलेगा। देवियों और सज्जनों, आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई जनसंख्या के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती है। पानी का मुद्दा बहुआयामी और जटिल है, जिसके समाधान के लिए सबके प्रयास की जरूरत है। जल शक्ति मंत्रालय इस कार्य को लेकर संकल्पबद्ध है। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाना है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जल जीवन मिशन के प्रारंभ के समय देश में जहां केवल 3,23,00,000 ग्रामीण घर में जल नल से जल की आपूर्ति होती थी, वही आप करीब 10,43,00,000 घर में नल से जल की आपूर्ति हो रही है। इस मिशन से गांव के लोगों को स्वच्छ पानी पीने के लिए मिल रहा है, जिसके जल जनित बीमारियों में भी उल्लेखनीय कमी आई है। नल से घर घर जल की आपूर्ति ने पानी की बर्बादी को तो रोका ही है, साथ ही उसके दूषित होने की संभावना को भी कम किया है। इस मिशन से हमारी बहनों बेटियों को पानी के लिए समय और ऊर्जा नष्ट नहीं करनी पड़ रही है। महिलाएं, आप इस ऊर्जा और समय को अन्य रचनात्मक कार्यों में लगा पा रहे हैं। पानी हमारे किसानों और कृषि के लिए भी एक प्रमुख संसाधन है। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में जल संसाधन का करीब 80% कृषि कार्यों में उपयोग किया जाता है। अतः सिंचाई में जल का समुचित उपयोग और प्रबंधन जल संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इस क्षेत्र में एक बड़ी पहल है। देश में सिंचित क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए ये राष्ट्रव्यापी योजना लागू की जा रही है। जल संरक्षण लक्ष्यों के अनुरूप ये योजना पाड्रॉप मॉर्प्रॉप सुनिश्चित करने के लिए सटीक सिंचाई और वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज को अपनाने को भी परिकल्पना करती है। सरकार ने जल संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत पारंपरिक और अन्य जल निकायों का नवीनीकरण, बोरवेल का रीयूज और रीचार्ज, वाटर सेट विकास और बहन वनरोपण द्वारा जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देवियों और सज्जनों, आगामी दशकों में भारत की शहरी आबादी के तेज गति से बढ़ने का अनुमान है। शहरीकरण के फलस्वरूप वाटर मैनेजमेंट और वाटर गवर्नर सिस्टम की आवश्यकता होगी। इस सिस्टम से जल का समान और सतत वितरण तथा रिसाइकलिंग जैसे कार्य प्रभावी रूप से हो सकेंगे। इन कार्यों को पूरे करने के लिए टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका होगी। इसलिए मेरी साइंटिस्ट, टाउन प्लानर्स और इनोवेटर्स से अपील है कि वे इन कार्य के लिए अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने का प्रयास करें। अभी हमने दो जल योद्धाओं अकेले टुडू जी और हीराबेन जी के सफलता की कहानियां सुने। जिस प्रकार अकेले टुडू जी ने अपने क्षेत्र में तमाम बाधाओं को पार करते हुए तालाबों का निर्माण किया और कृषि तथा किसानों के जीवन को बदला है,
ये प्रेरणा की प्रेरणादायक है, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी प्रकार हीराबेन जी ने जल संरक्षण और उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए उत्तम प्रयास किए हैं। इनके जैसे और भी असंख्य लोग हैं जो जल और पर्यावरण संरक्षण में सराहनीय योगदान दिए हैं। हम सब जानते हैं कि जल सीमित है और इसका समुचित उपयोग और रिसाइकिलिंग भी इस संसाधन को लंबे समय तक बनाया रखा सकता जा सकता है। इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि इस संसाधन का मितव्यता के साथ उपभोग करें, इसके दुरुपयोग के प्रति खुद भी जागरूक रहे और लोगों को भी जागरूकता बनाए। मुझे उम्मीद है कि इस सेवन वाटर वीक के दौरान विचार मंथन से जो अमृत निकलेगा और इस पृथ्वी के और मानवता के कल्याण का रास्ता होगा। मैं आम लोगों, किसानों, उद्योगपतियों और विशेषकर बच्चों से ये अपील करूंगी कि वे जल संरक्षण को अपने आचार व्यवहार का हिस्सा बनाए, क्योंकि ऐसा करके ही हम आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर और सुरक्षित काल देख सकेंगे। इसी के साथ ही आप लोगों को बहुत पुनः बधाई, धन्यवाद।